स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रीच एंड प्रणीताज में। आज हम करेंगे फेस पिलिंग। पिलिंग बोले तो क्लीनिंग रहता है स्किन का, जिससे स्किन को अपने शाइन आता है, स्किन चमकने लगता है, आपके स्किन का जो ये है ब्लैकनेस है वो कम हो जाता है। रेगुलर में अगर हफ्ते में 2-3 बार ये चीज़ करोगे तो आपका फेस अपने आप मिरर शाइन आ जाएगा, मतलब कि चक 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 चमकता है ऐसे चमकेगा। तो आप रेगुलर में करना है इसको। मैं दिखा देती हूँ आपको, ये टमाटर मैंने काट लिया है आधा, ये काटना तो आप जानते हो, तो ये ऐसे दिखेगा। तो मैं अभी इसके साथ लूंगी अपना हनी, डाबर का हनी है ये। आप घरगुती भी यूज कर सकते हो, जो घरगुती बोला तो जो गांव में आता है ना, ये इसमें ही डाल दूंगी मैं बाजू में प्लेट में, ठीक है। फिर अभी इसको, हाँ मैं क्या बोल रही थी कि घरगुती में आता है, गांव में मोल रहते पेड़ के ऊपर, मोल बोला तो अभी मैं हिंदी में नहीं जानती उसको, जिसको वो छोटे 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 पंख वाले पक्षी, पक्षी नहीं रहते हो, क्या बोलते हैं उसको, नहीं पता, वो झाड़ पे रहते हैं तो उसका हनी निकलता है, वो ओरिजिनल रहता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। सॉरी मैं नहीं बता पा रही हूँ, आप समझ गए रहेंगे आई होप मैं क्या बोल रही हूँ। अभी अपन टाइम पास नहीं करेंगे, ये मैं हनी ले रही हूँ, हनी में ये टमाटर डुबा रही हूँ मैं, अभी ये ही मैं फेस पे लगा रही हूँ। यहाँ पे मैं इसके लिए पकड़ूंगी क्योंकि टमाटर का रस जो है वो नीचे गिर सकता है। अपने को एक कंपल्सरी 5 मिनट तक पूरे फेस पे मसाज करना है, हल्के हल्के हाथ से, और आप मत कीजिए ज़्यादा, क्योंकि अपना स्किन नाजुक है तो नाजुक से ही उसको अपने को हैंडल करना है। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसके लिए मैं ऐसे बहकी बहकी बातें कर रही हूँ। खुशी की वजह यह है कि मेरा वेट लॉस हो गया है जो हर लेडीज का सपना रहता है, मेरा 2 kg कम हो गया है, इसके लिए मैं आज बहुत खुश हूँ। वैसा है तो ये अपने को कंपलसरी डुबा डुबा के, हनी में डुबा डुबा के मसाज करते रहना है फेस पे, पूरे चेहरे पे कीजिए मसाज। ये नेचुरल इंग्रेडिएंट है, इसके लिए फिर मुंह में गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप फेस के साथ में इसको खा भी सकते हो। मजाक कर रही हूँ गाइस, मुंह में जाता है थोड़ा सा तो मीठा टेस्ट आ जाता है, आपको भी आएगा तो टेंशन मत लीजिए, ये कोई केमिकल नहीं यूज कर रहे अपन, टमाटर और हनी अपन तो खाते हैं आपको तो पता ही है, मेरे को बताने की जरूरत भी नहीं है। स्किन को ग्लो बहुत अच्छा आता है, स्किन बहुत अच्छा शाइन मारता है, टमाटर में विटामिन सी रहता है जो अपने चेहरे के लिए बहुत अच्छा है, आंखों के ऊपर भी कर लीजिए आप, नो प्रॉब्लम। सॉरी मुझे याद आ गया, मक्खियाँ रहती है ओ हनी के ऊपर, मक्खियाँ, मुझे वो वर्ड नहीं याद आ रहा था, छोटे छोटे पंखों वाली छोटी छोटी मक्खियां, लेकिन वो काटती है तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है कभी आपको काटा रहेगा तो मुझे जरूर बताइए, क्योंकि मुझे बहुत बार काटा है। ये हमारे 5 मिनट हो गए,
अभी हम लगा देंगे इसके ऊपर एक फेस पैक। ये गिल्ला है तब तक ही लगा देना है अपने को। तो मैं आपको उसका इंग्रेडिएंट भी बता देती हूँ। अभी लगाएंगे अपन फेस पैक। तो ये है कॉफी पाउडर, ये ब्रू का कॉफी है रेगुलर जो आप घर में पीते हो वही। आप नेस्का कॉफी भी यूज कर सकते हो या फिर गोल्ड का भी आता है कॉफी, वो भी यूज कर सकते हो। तो मैं ये एक चम्मच लूंगी। अभी इसमें अपन डालेंगे टमाटर का जूस। यस, टमाटर का जूस डालेंगे और फिर उसमें हम डालेंगे हनी, जिससे कि आपका रिजल्ट और टिप आए। अपने को पीलिंग करना है ना, तो इससे और अच्छा शाइन आएगा अपने स्किन को। इसके लिए इसके ऊपर ये पैक जरूर लगाइए। कॉफी एक्चुअली पानी छोड़ता है, इसके लिए अपन इसमें डालेंगे थोड़ा सा चंदन पाउडर। डाल दूंगी आपके सामने, इससे एक थिकनेस आएगा पैक में। ये देखिए और आपका पैक इसको फेस पे अच्छे से बैठेगा चंदन पाउडर की वजह से। अगर डायरेक्ट आप कॉफी अप्लाई करते हो तो आपका फेस पैक नीचे आएगा ऐसे, क्योंकि कॉफी पानी छोड़ता है। अभी ये लगाएंगे अपन इसी के ऊपर, ये वॉश नहीं करना है, इसके ही ऊपर अपन फेस पैक लगा रहे हैं। ये करते टाइम पे मुझे बहुत इरिटेटेड होता है एक्चुअली, लेकिन करना भी जरूरी है भाई। बहुत लोगों को चिकट अच्छा नहीं लगता, लेकिन स्किन के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ेगा आपको। आपका स्किन चमकेगा कैसे फिर? बहुत लोग बोलते हैं कि हनी की वजह से बाल सफ़ेद होते हैं, तो ऐसे कुछ नहीं है। आप बालों के ऊपर भी हनी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर किसी का अलग अलग ध्यान रहता है, हर कोई अलग अलग बात बनाता है इसके लिए। और मेरा एक्सपीरियंस कैसे है पता है क्या गाइस, कि मैं जो कर चुकी हूँ मैं आपको वही दिखा रही हूँ जो मैं मेरे फेस पे रिजल्ट देख चुकी हूँ, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मेरा माने तो जो मैं बता रही हूँ आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। ये सब हर्बल चीज़ें हैं जिससे आपको नुकसान कुछ नहीं होगा। ये लगा के हो गया पैक अपना, यहाँ पे लगा देती हूँ। तो अभी अपन इसको
सूखने देंगे, उसके बाद में मैं आपको रिजल्ट दिखा देती हूँ। जस्ट पैक सूख रहे तब तक मैं एक दवाई के बारे में जानकारी देती हूँ आपको। होम्योपैथिक दवाई है मेंसोल, जो मैं ले रही हूँ एक महीने से, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट आए इसके। ये दवाई है मेंसोल करके, लेडीज के, फॉर लेडीज हेल्थ, तो लेडीज के लिए, महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए प्रसिद्ध औषधि टॉनिक। टॉनिक है ये, इससे अपना जो ये है क्या बोलते हैं, आयरन है वो बढ़ जाता है, खून बढ़ जाता है, हेमोग्लोबिन का जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाता है, प्लेटलेट्स जो रहते हैं अपने, जिनको एनीमिया का प्रॉब्लम है, एनीमिया बोले तो कि जिनका खून बनता नहीं है बॉडी में, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। इससे पीरियड्स का भी जो ये है टाइमिंग जो है वो कंपलसरी आने लगता है, जिनका जिनका पीरियड्स कभी किसी के जल्दी आ जाते, कभी किसी के लेट आते, तो उसके ऊपर भी ये दवाई बहुत अच्छा है। इवन पीरियड्स के टाइम पे अपने पेट में दुखता है तो वो भी इससे कम हो जाएगा, एनर्जी बढ़ेगा आपका। अभी मैं जिम मार रही हूँ तो मुझे बीच में एक्चुअली प्रॉब्लम हो रहा था, मेरा सब विटामिन वगैरह कम हो गए, तो इसके लिए मैंने जिम बंद कर दिया, मतलब छुट्टी ले लिया था, नहीं क्या, लेकिन मेरा क्या होने का, मैं वर्कआउट करती थी ना, नहीं क्या, मतलब इसलिए बंद किया मैंने क्योंकि मैं वर्कआउट करती थी, उस टाइम पे मुझे फ्रेश नहीं लगता था, थकान होता था, तो मेरे मल्टीविटामिन्स वगैरह भी कम हो गए थे, इसके लिए मैंने मल्टीविटामिन्स भी खाए हैं, उसके साथ में मैंने ये लिया। मेरे भाई ने बताया था मुझे ये दवाई कि तू लेके देख, नहीं कि होम्योपैथिक है, बहुत अच्छा रिजल्ट है और ये कंपलसरी लेना है एज अ लेडीज़। ये अगर लोगे आपके लिए तो आपको वरदान है, जिसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है वो भी लेडीज़ ये ले सकते हैं, क्योंकि उनके बॉडी में जो भी प्रॉब्लम्स है वो सब खत्म हो जाएंगे इससे। इसको रेगुलर में लेना है, सुबह शाम दो ढक्कन, मैं खुद ले रही हूँ, मैं आपके सामने ही लेती हूँ, अभी मेरा टाइम हो गया है, मैं दोपहर को दो ढक्कन और शाम को दो ढक्कन लेती हूँ। मीठा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पीने के लिए भी टेस्ट अच्छा है, तो जरूर ट्राई कीजिए। ये नाम है इसका मेंसोल, जरूर ट्राई कीजिए। अभी ये मेरे पैक के 10 मिनट हो गए हैं, तो मैं ये रोज़ वाटर ली हूँ, यही रोज़ वाटर है, तो ये लेके मुझे हल्के हल्के से इसके ऊपर मसाज करना है, हल्का हल्का, क्योंकि ये रफ रहेगा थोड़ा, तो इसके लिए मैं रोज़ वाटर मिक्स कर रही हूँ। ज़्यादा टाइम पैक नहीं रखना है कोई भी इस फेस के ऊपर, साइड इफ़ेक्ट होता है उसका। ये अपन हाथ से जो मसाज कर रहे हैं, इससे जो कॉफ़ी है उसका और टमाटर का जो जूस है, जो पीलिंग अपन बोल रहे थे, उसका रिजल्ट अपने को और अच्छा मिलेगा। दो मिनट तक कीजिए, ज़्यादा मत कीजिए, हल्के हाथ से करना है, ये विद स्क्रबिंग का भी इफेक्ट देगा आपको। लेकिन याद रखें कि जैसे ही वॉश हो जाए इसके ऊपर मॉइस्चराइजर अप्लाई कीजिए, स्किन को कभी भी खाली मत रखिए, स्किन तुरंत टैन पकड़ता है। अभी मैं वॉश कर लेती हूँ, मैं दिखाती हूँ आपको वॉश करने के बाद का रिजल्ट। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा रिजल्ट कितना साफ दिख रहा है मेरा स्किन, और जब मैं इसको ये रिजल्ट आपका भी आ सकता है अगर आप मुझे फॉलो करेंगे, मतलब मेरी रेसिपीज को फॉलो करेंगे जो स्किन के है वो, तो आपका भी स्किन कुछ ही टाइम में ऐसे बन सकता है। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए, प्लीज शेयर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, धन्यवाद।
नमस्कार, बाय बाय।